याद है मम्मा ने क्या कहा था? कुछ भी करो पर 90% मार्क्स लाओ। पापा मेरा तो पूरा सिलेबस हो गया है। ये तुम्हारे को ना हर एग्जाम से पहले ही हो जाता है। सलोन में हो? हाँ, तूने चीटिंग करी, तूने एग्जाम में चीटिंग करी और तूने आज भी करी चीटिंग। हाँ, पर शनाज चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है। अगर मैं चीटिंग नहीं करूंगी तो 90% कैसे लाऊंगी? याद है मम्मा ने क्या कहा था? कुछ भी करो पर 90% मार्क्स लाओ। पर कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि तू चीटिंग करेगी। देखो मैं तो आपको एडवाइस दे रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि मम्मा आप पे प्राउड फील करे तो एक यही रास्ता है। पर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी चीटिंग नहीं करी। तो अब कर लो, आप सोच लो, मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेटर। अगला एग्जाम 2 दिन में है, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ, मुझे नहीं करनी कोई चीटिंग मीटिंग। बेटा कितना पढ़ोगे, थोड़ी देर ब्रेक भी ले लो। नहीं पापा, मुझे कोई ब्रेक नहीं लेनी, ब्रेक लेती हूँ तो कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है फिर। अरे बेटा टाइम वेस्ट नहीं, ब्रेक लेने से माइंड फ्रेश हो जाता है। नहीं फिर मम्मा नाराज हो जाएंगी। Just then. अरे शनाया आपने पढ़ाई नहीं करनी बेटा? पापा मेरा तो पूरा सिलेबस हो गया है। अरे वाह इतनी जल्दी? हाँ जी। कमाल है। More moments later. अनान्या आज ना रूही की मम्मा का फोन आया था, वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम कैसे हुआ। मैंने ना उनको बोल दिया है कि तुम्हारा एग्जाम ना बहुत अच्छा हुआ। मम्मा पर आपने ये क्यों बोला, मेरा एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अरे अब उनको सच बताकर अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवा सकते हैं। अगर तुमसे रूही पूछे तो बोल देना आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो गया। चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम आगे के एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ लो। अब अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तभी अच्छी परसेंटेज बन पाएगी। तुम अच्छे से पढ़ो, मैं तुम्हारा डिनर बना के ना यहीं ले आती हूँ। मम्मा मैं आज आप लोगों के साथ डिनर नहीं करूँगी। बेटा बाहर आके डिनर करने में कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो या फटाफट 5 मिनट्स में खा लेना, ठीक है? Later. चलो जी आज तो डिनर में मजा आ गया पुनीत। हाँ? बहुत ही स्वाद डिनर था, थैंक यू सो मच। अरे यार चलो आओ। नाने आप क्या हो गया? मुझे ना मम्मा अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया? ये तुम्हारे को ना हर एग्जाम से पहले ही हो जाता है। अरे जस्ट देन ठीक हो नाने? मम्मा आज मैं एग्जाम ना दूं तो क्या? ये सब तुम्हारे बहाने हैं एग्जाम ना देने के, हर एग्जाम से पहले ऐसे करती हो और कहती हो एग्जाम ना दो। नहीं नहीं नहीं, कुछ सीखो शनाया से, कितनी कॉन्फिडेंट है वो, सारे एग्जाम्स अच्छे कर रही है, चुपचाप एग्जाम दो। Later. या फिर ये मुझे तो इस एग्जाम में भी कुछ नहीं आता। आज का एग्जाम तो बहुत अच्छा आ रहा है, 100 out of 100 भी आ सकते हैं, बट बस 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो मायरा से पूछ लेती हूँ। हेलो मायरा। हाँ 12th और 10th क्वेश्चन का आंसर बता।
हाँ ठीक है, और हाँ ठीक है। शनाया को देखो कितनी कॉन्फिडेंट है। क्या मुझे भी शनाया की बात मान लेनी चाहिए थी? Later. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर एग्जाम से पहले डल हो जाती हो, इतनी डल तो नहीं थी तुम। ओहो, क्या हो गया? क्यों डांट रही हो इस बेचारी बच्ची को? आज फिर उसने वही किया, इसको कुछ नहीं आता था पेपर में, ये फिर से ब्लैंक हो गई। क्या हुआ बेटा, क्यों? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। वो ना बाप, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ बहाने हैं, बहाने। आप चिंता मत करो, मैं बाकी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करूंगी। Three days later. बाबा जी, आज मेरे बच्चों का रिजल्ट है बाबा जी, प्लीज 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 इनके प्लीज 90% से ऊपर मार्क्स दे देना प्लीज। चलो चलो ओपन करो। तो पहले किसका देखें? सबसे पहले मेरा करो, मेरा। ओके ओके, शनाया। शनाया करे। प्लीज। आखिरी रिजल्ट आ गया। आ गया। इंग्लिश 92, मैथ 96, एसएसटी 100। शनाया। परसेंटेज टोटल 96। आ गए। क्या बात है? वाओ शनाया, शाबाश। सो प्राउड ऑफ यू। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। थैंक यू बाबू जी, थैंक यू। वेल डन। तो फिर अब मेरा सियान का देखते हैं। आ गया सियान, आपके तो 65% आए हैं। पापा मैंने कहा था ना, मैं मेरे 90 हो नहीं सकते। आज से तुम्हारा खेलना कूदना सब बंद। पुनीत प्लीज, कुछ नहीं होता। चुप, ऐसा करते हैं हम अनान्या का चेक करते हैं। मम्मा ये तो फर्स्ट टू है, मतलब टेस्ट थे ना, तो आगे भी देखो। अरे बाकी भी तो देखो। इंग्लिश 92, मैथ्स 100, सोशल साइंस 82, टोटल 78%। नॉट बैड नान्या। नॉट बैड, वेरी बैड। इसमें अच्छा है क्या? मम्मा मेरे बाकी तीन में तो अच्छे आए हैं। उसमें भी 40-50 ले आती, फेल हो जाती। क्या करना था इन नंबर्स का? सीखो, कुछ सीखो शनाया से। तुम तीनों में से सिर्फ शनाया ने मुझे सीरियसली लिया है। अरे एक सेकंड बाबा, एक सेकंड। हेलो, क्या मैं अब सिर्फ शनाया का रिजल्ट अपनी किट्टी पार्टी में अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी? अरे ऐसी इज्जत बढ़ाने का क्या फायदा? मतलब शनाया की टीचर का फोन था, सारे के सारे कैमरास चेक करने के बाद पता चला है शनाया ने सारे के सारे एग्जाम्स में चीटिंग की थी। क्या? अरे इससे अच्छी तो अनान्या ही है, कम से कम उसने चीटिंग तो नहीं करी। नहीं पापा, अनान्या दीदी ने भी लास्ट के 3 एग्जाम्स में चीटिंग की थी। क्या? मम्मा आपने ही तो कहा था चाहे कुछ भी हो जाए पर 90% से कम नहीं लेके आने। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग चीटिंग करोगे। तुम सबसे अच्छा तो सियान है, कम से कम इसने अपने मुँह से तो बोल दिया कि मैं 90 नहीं ला सकता, तुम भी बोल देते। मैं बहुत डर गई थी और टेंशन की वजह से मेरी एग्जाम की हमेशा पहले तबीयत खराब हो जाती थी। इनको मारने से कुछ नहीं होगा, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारे ही प्रेशर की वजह से बच्चों की तबीयत खराब होती है। हर एग्जाम से पहले ये लड़की ब्लैंक हो रही थी और तुम्हारी ही वजह से शनाया और अनान्या ने चीटिंग करी।
रमनीक, अगर हम बच्चों को गोल्स देंगे नहीं तो वो अचीव कैसे करेंगे? गोल्स देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम उन पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दो कि तुम 90% लाओगे तो मेरी किट्टी में इज्जत बढ़ जाएगी, तुम 90% लाओगे तो मैं तुम्हें वीडियो गेम लेके दूंगी। ये सबसे मार्क्स तो आ जाएंगे लेकिन उन्हें नॉलेज कितनी मिलेगी? जीरो। सॉरी रमनीक, आई एम सो सॉरी बच्चों, मेरे से गलती हो गई। मैं मार्क्स के पीछे भागने के चक्कर में मैं ये भूल गई कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। मार्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर लर्निंग ही नहीं है तो मार्क्स का क्या फ़ायदा? नहीं चीटिंग करके हमें मार्क्स चाहिए, मार्क्स तो आ जाएंगे मगर लर्निंग ही नहीं है। नहीं चाहिए हमें ऐसे मार्क्स, हमें लर्न करना है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है मगर चीट नहीं करना। करेक्ट। और बच्चों को ब्रेक्स देना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चे एग्जाम से पहले हैरान परेशान रह जाएंगे। आप सही कह रहे हो, आई एम सो सॉरी बच्चों। आओ मेरे बच्चों।